कारण उसका चित्त घबराया सा जान पड़ता था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चांडूर मुष्टिक कूट शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक रंगमंच पर बैठ गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद में 43वां अध्याय कुवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में श्री कृष्ण बलराम का प्रवेश का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले ही परीक्षित, जब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कसली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। अरे सुनता नहीं, धीर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब है क्रोध से तिल मिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूण में लपेट लिया, परंतु भगवान सूण से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमा कर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूण से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़ उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते और जब बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो भय अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलिया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास से चले गए और अपनी एक ही साहत से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। हे परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत ले लिए और रंगभूमि में प्रवेश किया। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उस समय में उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मद की वृंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर
पसीने की बूंदें झलक रही थीं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल वाले उनके साथ साथ ही चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर धारण, मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव गोपों को स्वजन दुष्ट, राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि प्रश्नवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भावान रूप क्रमशः रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर वात्सल्य भयानक बीभत्स शांत और प्रेम भक्ति का अनुभव किया। हे राजन, तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। सभी ने अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु की उस झांकी का दर्शन किया। हे राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं, पुष्पों के हार वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। हे परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिभ्या से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनकी सौंदर्य गुण माधुर्य और निर्भयता से मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखलाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूतना तृणावत शंखचूर्ण केसी और धैनुक आदि तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालियनाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं। कहते हैं कि ये यदवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर, वकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चांडूर ने यह बात कही।
नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़ी निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करते हैं उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चांडूर की बात सुनकर उसका